नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं दैनिक जागरण में आए विचार के प्रश्न को लेकर। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 मंगलवार। तो आज अभिव्यक्ति में इस पेज में दोस्तों लगभग सारी खबरें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आतंक का नया रास्ता है, कश्मीर में खतरनाक सिलसिला, गोद लेने कानून संबंधित है, संवाद से समाधान, पुराने भी खतरा बढ़ा था तापमान के ऊपर भी इसमें, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, इथिक्स वगैरह से लेकर भी है। यह भी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको विचार मिलेंगे अच्छे, कैसे आपको इथिक्स पेपर में अगर आप हो सके तो इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे भी है, इस आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनते रोहिंग्या, इंटरनल सिक्योरिटी, रिफ्यूज वगैरह को लेकर बहुत सारे आज इसमें काम के मुद्दे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसकी, और इस वीडियो के लिए हम दूसरे टॉपिक के लिए हम दूसरे वीडियो पर बनाएंगे जो इसके बाद में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है गोद लेने वाले कानून, क्या सुधार की मांग हो रही है, इस पर एक चर्चा करते हैं विस्तृत। जो हाल ही में राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी है उनके नेतृत्व में जो गोद लेने का कानून है उस पर विचार करने के लिए संसदीय समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट उसने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया, उसमें बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं, जिसमें नाजायज शब्द को लेकर और एलजीबीटी या फिर अन्य जो समुदाय है एलजीबीटी के उनको लेकर जो गोद लेने के अधिकार है उनमें कुछ बातें कही गई, और उन बातें कही गई है और उनमें कुछ सुधार की अनुशंसा की गई है। तो जानिए क्या है, जानते हैं क्या है इसके बारे में। तो जो इसमें एलजीबीटी है, एलजीबीटी में जो आते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और लिव इन में रहने वालों को भी बच्चा लेने का अधिकार देने की बात कही गई है इसमें। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मजहब, लिंग, जाति आदि का भेदभाव कानून में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एलजीबीटी वगैरह है अगर उनके मजहब लिंग है तो उनको मतलब अधिकार मिलना चाहिए, जो कि अभी तक उनको सही से अधिकार नहीं मिले हुए थे। इसके ऊपर बच्चे को लेकर जो लिव इन में रह रहे हैं उनको बच्चा रखने का अधिकार नहीं था, यानी कि कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिल पाती थी उनको, रख तो थे पर जो कानूनी रूप था उनको कागजों वगैरह में वो नहीं मिल पा रहा था। अभी उसी पर ये रिपोर्ट दी गई संसदीय समिति द्वारा और इसी पर चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कि मजहब है और लिंग है उसकी उसके उसके हिसाब से जो भेदभाव है उसको नहीं करना, उसको बंद करना होगा, और जो कानूनी रूप से उनको मान्यता है वो देनी पड़ेगी, वह सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। एलजीबीटी और लिव इन में रहने वालों को भी गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि इनको गोद लेने का अधिकार होना चाहिए कानूनी रूप से। एलजीबीटी जोड़े अभी एकल अभिभावक की तरह ही गोद ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मानवीय बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वह यह है कि गोद लेने वाले कानून से बच्चे के आगे लिखा नाजायज शब्द हटाया जाए, यानी कि फिलहाल भी वह एकल अभिभावक की तरह तो गोद ले सकते हैं बच्चे को, परंतु उनको एक दोनों अभिभावक के तौर पर भी मान्यता मिलनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी मानवीय बात यहाँ पर है कि जो उसके आगे शब्द नाजायज शब्द लिखा जाता है इन बच्चों के आगे नाजायज, उसको हटाने की यहाँ पर मांग की गई है पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई भी बच्चा है नाजायज नाजायज नहीं होता है, चाहे वह विवाह से पैदा हुआ हो या विवाह से बाहर। अरसे से बच्चों के लिए काम करने वाले भी ऐसा ही सोचते आए हैं। अक्सर अपने देश में सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से अविवाहित माताओं के बच्चों को लावारिस छोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि बहुत सारे कचरे के ढेर में, कई मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर ये बच्चे पाए जाते हैं, और फिर किसी को पता चलता है तभी इन बच्चों को उठाया जाता है, वरना बहुत बार ये ऐसे भी इनकी मृत्यु हो जाती है बाहर ही रखे हुए। इसी प्रकार इनके ऊपर एक सख्त कदम उठाने की जरूरत यहाँ पर महसूस की गई है और उसी को लेकर ये समिति तैयार हुई थी। हालांकि एक ऐसा भी वक्त था जब ऐसे असहाय बच्चे अड़ोसी पड़ोसी थे और जो नाते रिश्तेदार के भरोसे पल जाते थे, लेकिन जो आज का समय है उसमें ऐसी उदारता लुप्त सी होती जा रही है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, कोई इस पर आजकल ध्यान नहीं देते हैं। आखिर जिस बच्चे को जन्मते ही कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है उसमें उसका क्या अपराध, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि आखिर उसका अपराध क्या है, और वह तो अपने जन्म के लिए जिम्मेदार भी नहीं है। तो आखिर बहुत से अनाथालय में जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है वह भी अब किसी से छुपा नहीं है कि कितना दुर्व्यवहार होता है। आए दिन जो खबरें भी आती है जो बच्चों का है उनकी प्रताड़ना भी होती है, बहुत सारे यौन शोषण के मामले भी इनमें आते हैं, शारीरिक शोषण भी होता है,
और उनसे बहुत सारे कार्यों में भी कराए जाते हैं। और ये इसलिए यह भी किसी छुपानी और इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, पर फिर भी इसके ऊपर एक अभी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है और उसी के बारे में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। इन बच्चों के बारे में अक्सर लिखा भी जाता रहा है, फिल्में भी बनी है। जिस बच्चे के माता पिता नहीं है दुनिया में, वो कौन उसका है? क्योंकि सारे रिश्ते नाते जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, सभी माता पिता के कारण ही होते हैं। जब परिवार नहीं होता तो कोई रिश्ता भी अपना नहीं होता। ऐसे बच्चों को तरह तरह की सामाजिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ता है। जब गोद लेने वाले कानून में ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग है, तो इन बच्चों के सम्मान की चिंता कौन करे? यानी कि अगर कानून ही ये मान्यता दे रहा है एक तरीके से नाजायज की, तो फिर दूसरे लोग तो समाज तो इसको फिर कौन इसकी चिंता करेगा? इसमें आखिर नाजायज होता भी क्या है? वही ना जो कानून सम्मत न हो या कानून या कि कानून के विरुद्ध हो। नाजायज का अर्थ तो यही होता है। आखिर कोई नवजात कानून के विरुद्ध कैसे हो सकता है? कोई नया बच्चा जो अभी अबोध है, जो बालक है, बोलना भी नहीं सीखा, वो आखिर इस कानून के विरुद्ध कैसे हो सकता है? और इसीलिए इस नाजायज शब्द को हटाना बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। इन दिनों जब बहुत से जोड़े लिव इन में रहते हैं, तो उन्हें संतान प्राप्त करने या गोद लेने का हक क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विवाह का प्रमाण पत्र नहीं दिया? ऐसे तो हमारे इतिहास में भी ऐसे कार्य देखने को मिले हैं जो जहां पर विवाह के पूर्व ही बच्चे होते थे। तो फिर आजकल इन्हें मान्यता क्यों नहीं? इस पर तो देखा जाए तो यह आज की बात नहीं है। महाभारत में कर्ण कुंती प्रसंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कुंती कर्ण के पास जाती है, तो वह उनसे इस बात की नाराजगी प्रकट करते हैं कि अब वह उनसे माँ होने का अधिकार मांगने आई है, जबकि उन्होंने उसे जन्मते ही त्याग दिया था। तो यहाँ पर भी यह प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार पहले भी यह घटनाएं होती थी। और महान कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी महान रचना थी एक रश्मि रथी, आपने उसके बारे में सुना ही होगा। मैं इस प्रसंग का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। कर्ण को जन्मते ही कुंती ने त्याग दिया था। एक सूत ने उन्हें पाला, इसलिए वह सूत पुत्र कहलाए। यह देखना दिलचस्प है कि कुंती के अविवाहित मां बनने के प्रसंग के बारे में सभी को जानकारी थी, लेकिन इससे न तो कुंती का विवाह रुका, न ही उनके बच्चों यानी कि पांडवों ने उन्हें इस कारण कभी प्रताड़ित किया। जबकि आम अविवाहित माँ को आज भी अपने देश में न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि जब महाभारत में ऐसा नहीं हुआ, तो आज के जमाने में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है? जबकि आम विवाहित माँ को आज भी अपने देश में न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। इसलिए बच्चे जन्मते ही त्याग दिए जाते हैं। माँ के त्यागने का दुख क्या होता है, यह कर्ण के तमाम कथनों से समझा जा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर बच्चे को त्यागने के लिए पूरी तरह से माँ को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? और कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण एक माँ को ऐसा करना पड़ता है? जाहिर है कोई ना चल पाया होगा, कोई रिश्ता ना चल पाया होगा, कोई धोखा देकर चला गया होगा। बांग्ला के एक महान कथाकार शरद चंद्र ने ऐसे रिश्तों पर खूब कलम चलाई है। दशकों पहले बनी फिल्म एक फूल दो माली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां लड़की को छोड़कर लड़का शहर वापस लौट जाता है। यहाँ पर लड़के का ना पता है ना ठिकाना, और वही कहानी कि वह कोई उसको अपना लेता है और बाद में इस कहानी का एक सुखांत अंत होता है। हम इस बारे में पूर्ण चर्चा नहीं करेंगे, फिल्म की कहानी है। इसके अलावा हम जो मेन हमारा मुख्य उद्देश्य उस पर चर्चा करते हैं कि वही कि उसका सुखांत अंत हो जाता है, और मगर जीवन में प्राय ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फिल्मों में ये सुखांत अक्सर हमको मिलते हैं। इसलिए अविवाहित रिश्तों से जन्मे बच्चों को नाजायज कहलाने का अपमान जीवन भर झेलना पड़ता है। आज तो तकनीक इतनी उन्नत है कि डीएनए टेस्ट की मदद से यह साबित किया जा सकता है कि बच्चे का पिता कौन है, लेकिन एक समय लड़के साफ मुकर जाते थे कि बच्चा उनका है। दरअसल पिता के होने न होने का प्रमाण ही बच्चे के जन्म से जोड़ दिया जाता है। जबकि इन दिनों IVF और सेरोगेसी के जरिए अकेली लड़कियां माँ बन रही है, अविवाहित होते हुए भी बच्चों का गोद ले रही है। अब तो स्कूल में दाखिला कराने या बच्चे से संबंधित कामों के लिए माँ का नाम ही काफी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वैसे हमारी सोसाइटी इस कदम की
बढ़ा रही है इस तरफ कि आजकल पिता की जरूरत नहीं है नाम के लिए, आज माँ का नाम भी लिखा जाता है। जबकि पहले आप अक्सर देखते होंगे कि पिता का नाम हर जगह पूछा जाता था। बच्चे के पिता का नाम ही जरूरी नहीं रह गया, यह भी एक अच्छी शुरुआत दिखा रही है। इस तरह के कानूनों ने बच्चे के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले नाजायज शब्द को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। ऐसे में उसे गोद देने वाले कानून में भी ऐसे क्यों होना चाहिए, संसदीय समिति की सराहना करनी होगी। यानी कि संसदीय समिति की सराहना करनी होगी कि इसने इस मुद्दे के बारे में सोचा और इस पर चर्चा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय और एक अच्छा निर्णय लिया है, ताकि इस पर जाकर नियम बनाए जा सके और जो शब्द है इस शब्द को ही हटाया जा सके। तो इसीलिए संसदीय समिति की सराहना करनी होगी जिसने महिलाओं के भले और बच्चों के हित में एक सार्थक पहल की है। इस प्रकार ये वाला टॉपिक तो यही खत्म होता है। और इसमें जो अविवाहित रिश्तों से जन्मे बच्चों को न हो अपमान, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो इसके लिए जो संसदीय समिति वो अपना कार्य कर रही है, पर इसके लिए सोसाइटी को भी आना होगा आगे और उसे इन चीजों में योगदान देना होगा। तो इस प्रकार ये वाला वक्तव्य यहीं पर खत्म होता है। इसके अलावा आप जो इसमें दे रखे हैं आज के अखबार में परिवार, इस पर भी पढ़ सकते हैं। संवाद समाधान ये भी में है। और जो इंटरनल सिक्योरिटी है यानी घाटी में कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्याओं के क्रम को निर्णायक तरीके से रोके बगैर हालात सुधारने वाले नहीं, इस पर यह भी एक इम्पोर्टेंट है, तो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया डाटा वो आप अगर क्वेश्चन आंसर में यूज करेंगे तो आपके एक आंसर को एक प्रामाणिकता मिलेगी और एक मजबूत बेस मिलेगा उसको लिखने का। उसके अलावा आतंक का नया रास्ता, इसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी से बहुत ही अच्छे आपको एक तथ्य मिलने वाले हैं। उसके अलावा हम अब पढ़ते हैं इसको खतरा बढ़ाता बढ़ता तापमान को लेकर। इसमें हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो बेरेंड सागर से संबंधित था कि तापमान क्यों बढ़ रहा है उसके ऊपर चर्चा की थी विस्तृत, और इसके रिपोर्ट्स के ऊपर भी चर्चा की थी जो कि प्रकाशित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा। में यह है कि जो हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र को लेकर फिनलैंड के मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें बताया गया है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र के तापमान में 4 गुना ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण और मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से जो हमारी हीट है वो ट्रैप ज्यादा होने लगी है और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो कम हो रहा है। इस ये भी कारण हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसमें मदद कर रही है और इसी वजह से जो धरती का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। अब बेरेंट सागर को देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। बेरेंट सागर यहाँ पर इसलिए दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर तापमान दूसरे क्षेत्र की तुलना में 5 से 7 गुना अधिक बढ़ रहा है, जबकि आर्कटिक का देखा जाए तो आर्कटिक में 4 गुना लगभग बढ़ रहा है तापमान। परंतु जो बेरेंट सागर है वह आर्कटिक में सबसे ज्यादा तापमान दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बेरेंट सागर ये यहाँ पर स्थित है नॉर्वे और रूस के बीच में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये कहाँ पर स्थित है यहाँ आप देख सकते हैं इसके, यहाँ पर ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वेजियन सी है, उसके अलावा ऊपर ये आर्कटिक सी, इधर कारा सागर आ गया है और यहाँ पर ये रशिया देख सकते हैं आप। तो ये इस प्रकार ये आधिकारिक तौर पर तो नॉर्वे और रूस के बीच का इसका क्षेत्र बताया जाता है। ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। तो चलते फिर से हमारे टॉपिक की ओर। इसका जो पुराना वीडियो है उसके ऊपर जो हमने विस्तृत चर्चा की थी उसकी आपको यहाँ पर ऊपर बटन पर दिख जाएगा आई बटन पर उसका लिंक, वहां से देख सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो हालांकि यह वृद्धि जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, इस पर बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव ध्रुवीय क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है जहां पर यह 4 से 5 गुना बढ़ रहा है। ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि की यह घटना सबसे अधिक उत्तरी ध्रुवीय यानी आर्कटिक क्षेत्र पर देखने को मिली है, जिसके कारण वहां की बर्फ लगातार पिघल रही है। अब बर्फ लगातार पिघल रही है इसके कुछ कारण होंगे, तो इस कारणों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कारण क्या है
तो सवाल है कि आखिर आर्कटिक क्षेत्र का तापमान कितनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, दुनिया के अन्य क्षेत्रों का क्यों नहीं? तो इसका दरअसल जो पहला कारण तो यह है कि पहले सूर्य से जो पृथ्वी पर आने वाली किरणें हैं, जब आर्कटिक क्षेत्र के बर्फ पर गिरती थी तो उसमें लगभग 80% किरणों का रिफ्लेक्शन हो जाता था, और जो केवल 20% किरणें हैं वही बर्फ अवशोषित करती थी। और बर्फ है किरणों को अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेती है, जब वो बहुत बड़े एरिया में फैली होती है तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जो विज्ञानियों उनके अनुसार इस क्षेत्र में प्रकाश का रिफ्लेक्शन अब कम हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र की सतह और तेजी से गर्म हो रही है, यानी कि अब वो मात्रा से अधिक प्रकाश का और अधिक किरणों का अवशोषित कर रही है, जिसकी वजह से वो जो अधिक किरणें हैं उसकी वजह से वहां का बर्फ पिघलनी शुरू हो रही है, और जिससे कि क्षेत्र की सतह तेजी से गर्म हो रही है, इसी कारण वहां बर्फ अधिक तेजी से पिघल रही है। इसका दूसरा कारण भी यह बनता है कि समुद्र जो है वो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान को संतुलित करने के लिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं, यानी कि जो हमारा सबसे अधिक तापमान जो भूमध्य रेखा पर गिरता है वो समुद्र के द्वारा जो पूरी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित करने के लिए फैला दिया जाता है, यानी कि वहां से होते हुए गर्मी ट्रांसफर हो जाती है, जो कि स्ट्रीम्स रहती है, जो सागरीय पवने रहती है, सागर महासागरीय पवने रहती है, उनके द्वारा यह पहुंचा दी जाती है हीट, या फिर सतह के द्वारा, समुद्री सतह के द्वारा। तो उसमें क्या है जो कि जो तापमान है वो संतुलित करने के लिए भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं, इससे भूमध्य रेखा के क्षेत्र में तापमान संतुलित हो जाता है, लेकिन इस घटना से अतिरिक्त ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चली जाती है। इसी वजह से भी आर्कटिक क्षेत्र में तापमान ज्यादा से तेजी से बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने से आर्कटिक पर जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बर्फ पिघलने से उसमें मौजूद निष्क्रिय बैक्टीरिया वापस वातावरण में आकर नई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, यानी कि जो हजारों हजारों लाखों साल से जो बर्फ में दबे हुए बैक्टीरिया है वहां पर, अब वो बैक्टीरिया बर्फ में दबे हुए हैं और उसकी वजह से वो जीवंत है, यानी कि अब जैसे ही वो तापमान पिघल रहा है वहां से वो बैक्टीरिया निकल रहे हैं, और उस वजह से जो बैक्टीरिया अभी तक मौजूद नहीं थे हमारे, यानी जो पहले मौजूद थे बहुत ही लाखों पहले, वो आप ही से बाहर आ रहे हैं, और उनकी वजह से जो नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है वो अब उसकी वजह से जो नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है वो घातक साबित हो रही है, और यह एक बड़ी चिंता का विषय है और इस पर अभी बहुत शोध करने की जरूरत है। और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है यानी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जो बढ़ रही है, इसको पर बहुत कार्य करने की जरूरत है। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तापमान का असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और जो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप आर्कटिक कहाँ पर है और भारत कहाँ पर है, फिर भी उसका तापमान हमारे मानसून मौसम आदि क्रियाओं पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश और बारिश का जो साइकिल है वो भी सही से उसमें भी प्रभाव आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत कहाँ पर है इस मैप में, और देख सकते हैं आर्कटिक कहाँ पर है, परंतु फिर भी यहाँ से हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। तो जो भारत में जो पिछले कुछ वर्ष है उसमें मौसम की घटनाओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। भारत अपने जल एवं खाद्य संबंधी जरूरतों के लिए प्रमुख तौर पर वर्षा एवं मानसून पर निर्भर है। साल 2021 में भारत और नॉर्वे के वैज्ञानिकों द्वारा मिलकर एक अध्ययन किया था गया था, जिसमें बताया गया कि आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद दो सागर, बेरेंट सागर और कारा सागर में स्थित बर्फ के पिघलने का दुष्प्रभाव भारत के मौसम मानसून पर पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमने देखा था अभी यहाँ पर बेरेंट सागर और कारा सागर की किस प्रकार से इनके जो बर्फ पिघल रही है यहाँ पर, किस जो इनका तापमान बढ़ रहा है पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा 5 6 से 7 गुना, उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है भारत पर भी। इससे कहीं अचानक भारी बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ का कारण बन रही है, तो कहीं सूखे जैसे हालात भी बन रहे हैं। इससे न सिर्फ खेती प्रभावित हो रही है बल्कि समुद्र का स्तर भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यह तापमान बढ़ना हमारे लिए किस प्रकार घातक साबित हो रहा है हमने देखा। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और जो अगला वीडियो है हम उसमें चर्चा करने वाले आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनते रोहिंग्या की, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और इसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको लेकर। इसमें भी आप मेन से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह भी एक आम टॉपिक बन जाता है, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।